नमस्कार बच्चों दिस इज वर्कशीट नंबर ट्वेंटी नाइन ऑफ क्लास सिस्थ एंड टू डेज डेट इज ट्वेंटी नाइंथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दिस इज फर्स्ट वर्कशीट ऑफ मैथमेटिक्स इन दिस ईयर हैप्पी ईयर बच्चों आई होप यू आर वेल एंड योर फैमिली इज ऑल्सो वेल और आपसे उम्मीद रखता हूँ और भगवान से आशा करता हूँ जो कि इस साल आपका सही गुजरे अब देखिए आपको पता है जो कि ये जो लाइन सेगमेंट होता है कोई दो पॉइंट है मान लीजिए जो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली सबसे स्मॉलेस्ट दूरी जो होती है डिस्टेंस होती है वो लाइन सेगमेंट होती है तो यही लाइन सेगमेंट के बारे में बताया गया है अब आपको कहा जाता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर रूलर दैट मीन स्केल जानते हैं कुछ बच्चे फुट्टा कहते हैं कुछ उसको स्केल कहते कुछ पटरी कहते हैं तो आइए उससे देखते हैं जो कि इसमें दिया है फाइव पॉइंट सिक्स का आपको सेंटीमीटर का आपको रूलर की सहायता से लाइन खींचनी है तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे पॉइंट मार कर लेंगे और वहाँ से जीरो मार करते हुए स्केल को आ, मतलब यहाँ पे जीरो और पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स जितने पे है जैसे देखिए एक दो तीन मतलब किसी एक से दो के बीच में एक और दो के बीच बीच में दस लाइनें होती हैं एक दो तीन चार ऐसे चौथा मतलब पाँचवा बड़ी फिर एक दो तीन चार फिर बड़ी होती है तो ये बीच वाला लाइन फिफ्थ होता है तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं इसको देखिए यदि स्केल को देखते हैं तो बीच वाला मिड पॉइंट जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया तो 5.6 पे मार्क कर दिया और इसको खींच दिए तो ये हो गया 5.6 का आपका स्केल तो ये स्टेप हो गया ए और बी मार्क कर दिया और फिर खींच अब कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपास रूलर और कंपास की सहायता से दोनों की सहायता से तो अब सबसे पहले एक पॉइंट डाल दिए पॉइंट पे हमने आ, रे और रे का जो होता है देखिए ये होता है रे दोनों साइड एरो होता है सॉरी इसको कहते हैं लाइन दोनों साइड एरो होता है और एक साइड एरो होता है तो उसको कहते हैं रो रे उसको कहते हैं रे रेखा और जब दोनों साइड ब्लॉक होता है तो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट लाइन का टुकड़ा तो अब देखिए एक लाइन ले लिए लाइन पे एक पॉइंट मार्क कर दिए एक पॉइंट फिक्स हो गया अब यहाँ पे फिक्स हो गया अब क्या करेंगे अगला पॉइंट क्या है स्केल की सहायता से जितना कह रहा है फाइव पॉइंट सिक्स तो स्केल की सहायता से हम जीरो स्केल में फाइव पॉइंट सिक्स जहाँ पर है वहाँ पे और इसका जीरो पे एक निशान मतलब ये वाला नोक वाला सुई रखें हिस्सा रखेंगे और पेंसिल का नोक रखेंगे 5.6 पे पॉइंटेड हिस्सा अब इतना आर्क कर लेंगे इसको खोल लेंगे अब इसी को लेकर के यहाँ पे जो है ये इसको अब यहाँ पे पॉइंटेड वाला हिस्सा रखेंगे और जो पेंसिल वाला हिस्सा जहाँ पे कट करेगा वो 5.6 हो जाएगा इसको बी मार्क कर देंगे यही था आपका यह हो गया इस तरह से 5.6 का मार्क कर दिया तो यह हो गया आपका 5.6 सेंटीमीटर का यू की सहायता से आपको वो बनाना तो यह नाम दे दिया ए अब आपको हमेशा की तरह करने के लिए दिया हुआ है सेवन सेंटीमीटर का आप लाइन खींचिए रूलर की सहायता से तो अब क्या करना है स्केल रखना है और स्केल रख करके और जहाँ पे यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे सेवन है सेवन है वहाँ पे ले गया और इतना बड़ा लाइन खींच दिया हो गया सेवन सेंटीमीटर का लाइन ठीक है अब दूसरा कह रहा है रूलर और कंपास की सहायता से सिक्स पॉइंट फाइव का ये रूलर और कंपास की सहायता से बनाइए तो फिर एक लाइन ले, ले लेंगे ये लाइन ले, ले लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे जो दिया हुआ है नहीं नाम दिया हुआ तो ये नाम दे देंगे या पी नाम देना है जो देना है और उसके बाद इस कंपास को जो है इस पर सिक्स पॉइंट फाइव का मार्क लगा लेंगे और इतना पेन इसको और थोड़ा खोल करके यहाँ तक ले आएंगे और फिर इससे यहाँ इस जितना यह खुल जाएगा उतना इस पर कट कर देंगे इस लाइन को कट कर देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर का बन जाएगा इसी तरह 5.5 सेंटीमीटर का भी रोज लड़की सहायता से बनाना है ये यही चीज़ 5.5 का बनाना है और यही चीज़ आपको 6.7 में इसमें बनाना इसका नाम दिया पिक्यू और एच तो आप उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद बच्चों